हेलो एवरीवन, दिस इज अनीता। आइए आज समर स्पेशल लड्डू बनाएंगे। ये प्रोटीन रिच होते हैं, इसके साथ ही साथ ये लड्डू गर्मियों में आराम से खाए जा सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप बना के देखिए। आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। चलिए देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया। इसके अंदर मैंने 2 कप मल्टीग्रेन आटा लिया है, जिसमें कि वीट के अलावा सोया है, चना है, मिलेट्स है, मेज है और इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसको बहुत ही हेल्दी बनाता है। इसके अलावा मैंने इसमें 1 कप ड्राइड कोकोनट पाउडर लिया है। ये बहुत ही हेल्दी होता है, स्पेशली समर्स के लड्डू में आप कोकोनट पाउडर आराम से डाल सकते हैं। बादाम वगैरह इसमें थोड़ा कम डालना चाहिए। मैंने भी इसमें सिर्फ 1/2 कप बादाम डाले हैं, 10-15 बादाम होंगे। और मैंने 1 कप घर का बना खोया यूज़ किया। बाज़ार के खोए पर तो आप ट्रस्ट कर नहीं सकते, वो कुछ भी बना देते हैं। और मैंने ये 1/2 कप ऑलमोस्ट 3/4 कप मैंने जैगरी पाउडर लिया है। इसके अलावा आप चाहें कोकोनट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। चलिए सबसे पहले हम इस आटे को भूनेंगे, इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। इसके अंदर वीट है, सोया है, ओट्स है, चना है। इसको हम स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे भूनेंगे। जब इसमें से खुशबू आने लगेगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, इसके मतलब ये भुन के तैयार हो गया है। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। अब इस सेम कढ़ाई में ही हम कोकोनट पाउडर है, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, उसको भी डाल के हल्का सा भून लेंगे। इसके साथ ही साथ मैंने बादाम जो मैंने थोड़े से कूट के रखे थे, छोटे छोटे पीसेस करके रखे थे, उसको भी इसके साथ ही मैंने भून दिया, जिससे हल्की सी उसमें खुशबू आने लगती है, थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है, उसका थोड़ा कच्चापन निकल जाता है कोकोनट पाउडर का। फिर हम इसको निकाल लेंगे। हमारा ये भूनने का काम ख़त्म हो गया। बस इसमें सारी चीज़ें मिक्स करनी है, जैसे मैंने इसमें जैगरी पाउडर डाल दिया इस मिक्सचर में, और इसके अलावा मैंने 1 कप जो खोया भून के रखा था घर में, उसको भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी डाला है, जिससे ये लड्डू हमारे थोड़े सॉफ्ट रहेंगे। इसके साथ ही साथ ये थोड़ा हेल्दी भी हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डाला मैंने, क्योंकि इसमें मैंने खोया डाला था, तो खोए में भी थोड़ा सा घी था इसमें। एक बार ये हो जाएगा, उसके बाद मैंने इसके लड्डू बनाने शुरू करें। लड्डू बनाने से पहले मैंने थोड़ा सा हाथ में घी लगा लिया, जिससे कि वो चिपकेगा नहीं। अगर आपका ये मिक्सचर उसके लड्डू नहीं बन रहे हैं, फूट रहे हैं, तो थोड़ा सा घी भी आप बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप थोड़ा सा पानी के छींटे मार दीजिए, जिससे वो थोड़ा मॉइस्ट हो जाएगा, थोड़ा गीला हो जाएगा, फिर आपके लड्डू अच्छी तरीके से बन के तैयार हो जाएंगे। मैंने इसी तरह सारे लड्डू बना के तैयार कर लीजिए। आप देखिए लड्डू कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं और बहुत ही टेस्टी भी होते हैं। और इसमें आप वेरिएशंस कर सकते हैं, लाइक डिफरेंट सीड्स आते हैं, सनफ्लावर सीड्स है, खरबूजे के बीज, इन सबको भी आप हल्का सा रोस्ट करके, ग्राइंड करके भी आप इसमें डाल सकते हैं, तो ये और भी हेल्दी हो जाएगा। आप इन लड्डुओं को बिना खोए के भी बना सकते हैं, वो भी इतने ही अच्छे लगेंगे। अब आप देखेंगे लड्डू सिर्फ जाड़ों में खाने की ही चीज़ नहीं है, ताकत देने के लिए आप गर्मियों में भी खूब बना के खा सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि इसमें बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स या गर्म चीज़ें नहीं डालें। ये लड्डू हर एज ग्रुप के लिए बहुत ही सूटेबल होता है, सबके लिए ये अच्छे होते हैं। चलिए जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। सी यू देन, ओके बाय।